हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू रितु एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं, डीपीएस की तरफ से वैकेंसीज निकल के आई हैं। लोकेशन रहेगी आपकी रूबी पार्क कोलकाता। ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं, पूरे डिटेल्स देख लेते हैं। सैलरी जो है वो बहुत अच्छी है, 70,000 तक की आपकी सैलरी होगी। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। पीजीटी में निकली हैं आपकी जो क्लासेस 11 ट्वेल्थ के लिए हैं। सब्जेक्ट्स रहेंगे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए बीएड के साथ, 10 ईयर्स का मिनिमम सिमिलर लेवल पे एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज जो है 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 71,328 यह आपकी क्या रहेगी, सैलरी रहेगी पर मंथ। अब टीजीटी के लिए बात करें तो टीजीटी के आपकी रहेगी वैकेंसीज हैं आपकी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, बंगाली, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, मंडेरियन एंड लाइब्रेरियन। इसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए बीएड का के साथ, बट आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो 7 ईयर्स का हो सकता है। नॉट मोर देन एज जो है 40 ईयर्स होनी चाहिए और सैलरी रहेगी आपकी 67,521। अगर आप पीआरटी के लिए बात करें क्लासेस 1-5 के लिए तो एक्सपीरियंस की बात करेंगे 5 ईयर्स का होना चाहिए, ग्रेजुएशन बीएड के साथ, 35 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट एंड अप्रॉक्सीमेट सैलरी रहेगी 54,126। अब सब्जेक्ट्स हैं आपके इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ईवीएस, सोशल स्टडीज़, हिंदी, बंगाली, आर्ट, फ्रेंच, लाइब्रेरियन, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन एंड डांस। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पर भी वैकेंसीज निकली हैं जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन में क्वालिफिकेशंस जो हैं वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्रेफर किया जाएगा अगर पोस्ट ग्रेजुएट आए विद मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। सीनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली है जिसमें आपका बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए और 5-8 ईयर्स का विद एटलीस्ट ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन अ रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन। प्री प्राइमरी टीचर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, ये सारे आपके प्रोवेशन पे आएंगे, परमानेंट वैकेंसीज हैं और प्री प्राइमरी टीचर्स आपके कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, जो वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होती है, कंसोलिडेटेड सैलरी होगी आपकी इसमें। इसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए विद मॉन्टेसरी ट्रेनिंग टीटीसी अलॉन्ग विद द मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट टीचर होंगी आपकी आर्ट, डांस, वोकल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल में आएगा गिटार, पियानो, वायलिन एंड तबला। थर्ड लैंग्वेज के लिए चाहिए संस्कृत, जर्मन एंड फ्रेंच टीचर्स। फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ऑफिस असिस्टेंट, साइंस लैब असिस्टेंट एंड रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है जिसमें आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है जिसमें आपकी बीएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपका डिप्लोमा होगा तो बीएड जनरल से साथ में एक स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। स्कूल काउंसलर की रिक्वायरमेंट है जिसका 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन काउंसलिंग, और कोचेस की रिक्वायरमेंट है आपकी एथलेटिक, चेस, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिमनास्टिक्स, फिटनेस ट्रेनर, योगा, पीटी, कराटे। आपकी एज लिमिट जो है 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंड दोज हु हैव प्लेड एटलीस्ट एट स्टेट लेवल विल बी गिवन प्रेफरेंस, स्टेट लेवल पे होना चाहिए आपका। सैलरी जो है दैट वॉन्ट बी अ कॉन्स्टेंट फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। इन द सब्जेक्ट लाइन प्लीज मेंशन प्रेफर्ड लोकेशन, कैटेगरी एंड सब्जेक्ट यू स्पेशलाइज इन। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, एप्लीकेशन जो है आपकी 30th अक्टूबर तक पहुंच जाने चाहिए। तो सारे ही सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैकेंसीज निकली हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, परमानेंट पोस्ट पे निकली हुई हैं और जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं वो तो बहुत कम है, तो सारी ही आपकी परमानेंट पोस्ट है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।